बॉलीवुड के हैंडसम और स्टाइलिश एक्टर फिरोज खान के पीछे लड़कियां दीवानी हुआ करती थीं। वो जहां भी जाते लड़कियों से घिरे रहते थे। उन दिनों उनके अफेयर्स के खूब चर्चे हुआ करते थे, लेकिन उनमें से कोई भी रिश्ता शादी के मुकाम तक नहीं पहुंच पाता सिवाय एक के। जी हां, हम बात कर रहे हैं फिरोज खान और उनकी पत्नी सुंदरी के रिश्ते की। दोनों की पहली मुलाकात 1962 में एक पार्टी में हुई थी और पहली नजर में ही ये दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। कहा जाता है कि उस वक्त सुंदरी तलाकशुदा थी, उनकी पहली शादी टूट गई थी, उन्हें पहले पति से सानिया नाम की बेटी भी थी। हालांकि सुंदरी और फिरोज ने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया, ना इस पर खुलकर बात की। ये अफेयर 3 सालों तक चला और फिर इन दोनों ने 1965 में शादी कर ली। दोनों को लैला और फरदीन, ये दो प्यारे से बच्चे हुए। लेकिन इसके बाद फिर एक बार फिरोज खान फिसल गए। उनका दिल राजकुमारी ज्योतिका धनराज गिर पर आ गया और वो ज्योतिका के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। ये बात पता चलने के बाद सुंदरी ने फिरोज को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ज्योतिका धनराज गिर के पीछे पागल हो गए थे। फिर सुंदरी ने एक सख्त कदम उठाया, उन्होंने फिरोज से तलाक ले लिया। हालांकि ज्योतिका ने फिरोज को छोड़ दिया। ज्योतिका के छोड़ देने के बाद फिरोज खान वापस सुंदरी के पास लौट आए, लेकिन सुंदरी ने उन्हें नहीं अपनाया।